है बिहारी कुकीज, जिनकी मम्मा कितनी गंदी लग रही। कि तुम दोनों का एकदम मोबाइल गेम चालू ना, बारह नहीं बजा है, हाँ तो सवा ग्यारह से बारह बज गया। और तुम रे, तुम लड़का, ए लड़का इतना क्या फोन चलाता है? देखिए ना, कोई जवाब नहीं, मोबाइल में बिजी है। चलो, बहुत भूख लगी है तो बिस्किट ठेकुआ, ये है बिहारी कुकीज और सेव। चलो जल्दी खाते हैं, फिर केक भी खाना है। आरू अपना बर्थडे का केक खाएगा फिर से? बाप रे बाप। फाइनली आज मैंने चंपी किया है, क्योंकि कंटिन्यू 16 तारीख से काम पे निकल रही हूँ, एक दिन भी चंपी करने का टाइम नहीं मिला है, शैम्पू करने का टाइम नहीं मिला है, तो चंपी करके एक घंटे हो चुके हैं। अब जा रही हूँ नहाने, उसके बाद खाना खाऊंगी, बहुत जोड़ों की भूख लगी है और शाम को फिर से आज कहीं जाना है, तो उसके लिए भी तैयार होंगी। तो मैं जल्दी से पहले शैम्पू करके और नहा कर आती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। जस्ट अभी सार लेकर आई, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है नहाने के बाद ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है बताना। बच्चों लोग की बदमाशी, ये लोग सिंचैन देख रहे हैं, सिंचैन की मम्मा कितनी गंदी लग रही है। और नहाने के बाद बहुत जोड़ों की भूख लगी है, तो ये रहा खाना, चावल दाल चिकन और नमक। मुझे होने जाना है तैयार, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ एक जगह, तो चलो तैयार होते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ, बस हेयर को जो है अच्छे से बन बना लेना है। दीदी के घर आई हूँ तो दीदी का ड्रेस पहन लिया। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पसीने से हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि हम लोग हावड़ा स्टेशन से रेल म्यूजियम तक चल चल कर आए। अरू को तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, सबसे ज़्यादा यही थकता है। अरे मैं हीट मैन हूँ। बाबा ये बोल रहा है कि मैं हीट मैन हूँ, मुझे गर्मी लगेगी नहीं। ताजमहल यहाँ है पागल, हाँ। ताजमहल है आगरा में, यूपी। देखो कितना सुंदर लग रहा है गंगा जी के किनारे सब कुछ, हाँ। देखो। अच्छा एक बार हम नोटिस किए क्या, दिवाली का लाइट आ रहा है तो अभी तक हम लोग जो ही जला रहे हैं। ये ऐसे भी डेली लाइट लगता है बेटा यहाँ पे, ये दिवाली का लाइट नहीं है। कोई लोग अभी तक दिवाली का लाइट जला रहे हैं। मासी अब यहाँ क्या कर रही है? हैप्पी बर्थडे का सेलिब्रेशन। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे बलून्स हैं और भी बहुत सारे, लेकिन कैमरा। अरे तुम हेल्प करेगा डेकोरेशन में? ये देखिए मम्मी, मैं आपको दिख जाऊंगा शूट करते हुए। बर्थडे पार्टी में मैं पहुंच चुकी हूं जहां मुझे आना था। ये है एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, मुझे नहीं पता आप लोग इनमें से कितने लोग इन्हें पहचानते हैं, पर ये हमारी भारत की बहुत अच्छी एक आन बान शान बढ़ाने वाली महिला हैं। ये है इनकी पहचान, इनके नाम से होगी, ये है सुमन कुमारी, इंटरनेशनल बॉक्सर, और ये है इनके द्वारा जीते गए सारे ट्रॉफीज़। तो आज मैं इनके घर आई हूँ इनके साथ, इनका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में ऋषु और अरु को भी लेकर आई हूँ मैं इस। और यहाँ पे सुमन जी, उनके हस्बैंड और उनके दो दीदी के बेटे जो हैं वो लोग डांस कर रहे हैं, और यहाँ चंदन जी उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा फुल ऑन मस्ती के मूड में हैं। देना चाहिए ना इनको, आप
पापा आप जो पहना नहीं पा रहे अपने समझी को टोपी, तो सब थोड़ा साइड दे दो। फिर यारू खड़ा हो बेटा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shivani। एक फोटो हो जाएगा। आप खड़े? नहीं नहीं ऐसे मत करो, उठा उठा के प्लीज नीचे वाला। आप ढक कर उनको आगे आइए, दिख ही नहीं रही है। अरु इधर स्माइल। अच्छा सेल्फी नीचे, सेल्फी सेल्फी इधर से इधर दो ना, ऊंचे होके दो। आयरन स्त्री, एक स्त्री को दूसरा स्त्री। अब केक वेक खाने के बाद, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, चंदन जी ने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया, एक गाने पे डांस किया और गाना था काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। बट ऑडियो के साथ ये गाना मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसीलिए आप इसी तरह इस डांस को एंजॉय करें। और मेरे वीडियोस को अगर थोड़ा सा भी आप लाइक कर रहे हैं, थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करना भूलिए, और घंटा को भी दबा कर जाइए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका डांस होने के बाद अब मुझे यहाँ टर्न कर लाया गया है, तो मैं भी यहाँ थोड़ा इंजॉय डांस कर रही हूँ। और गाना है लगावे लू जब लिपस्टिक हिले ला आरत स्टिक, तो अब मैं इस गाना पे सबके साथ इंजॉय कर रही हूँ, और आप भी ये डांस को इंजॉय कीजिए। मैंने अच्छे से अपने मेकअप को रिमूव कर लिया है, क्योंकि अब जो बारी है सोने की है। मच्छर ने काट लिया है और हाथ का कंडीशन भी देख लो, काला हो गया है मेहंदी। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।